लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। फिल्मी दुनिया में आपने अनेक रिवॉल्वर रानी देखी होगी जो अपने पास रिवॉल्वर रखती हो, पर आज हम एक असली रिवॉल्वर धारी मुखिया के बारे में बात करेंगे। इस मुखिया की खास बात यह है कि यह हमेशा अपने पास एक रिवॉल्वर रखती हैं और लोगों को डराती नहीं बल्कि उनकी मदद करती हैं। गोनपुरा पंचायत की मुखिया हैं आभा देवी। आभा यह नाम जब भी गोनपुरा बिहार में लिया जाता है तो सबका यही जवाब होता है कि वो पिस्टल वाली मुखिया, क्योंकि आभा ने अपनी एक ऐसी ही पहचान लोगों के सामने ला रखी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर कोई उन्हें पिस्टल वाली मुखिया कहते हैं। आपको बता दें कि आभा अपने पास पिस्टल किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी बात मनवाने के लिए रखती हैं। उनका कहना है कि रौब इतना रहना चाहिए कि लोग हमारी बात को नकार ना सकें, इसलिए कोई हमें हल्के में ना ले, इसलिए हम पिस्टल अपने पास रखते हैं। आभा ने अपने गाँव के विकास के लिए खूब मेहनत की है। आभा 2011 में मुखिया बनी थी और 2016 से आभा पिस्टल अपने पास रखती हैं। आभा के पास पिस्टल रखने का लाइसेंस भी है। आभा कहती हैं कि शुरुआती समय में आराध्या शर्मा ने मेरी बहुत मदद की, पर जब मुझे लगा कि लोगों ने मुझे चुना है और सब कुछ मुझे ही करना है तो आगे मुझे आना होगा। उसके बाद मैंने अपनी पंचायत के लिए खूब काम करवाए, इसी बीच कुछ मामलों में झगड़े इत्यादि भी हो गए। 2014 में आभा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद पुलिस से मदद मांगी पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने पिस्टल रखने का लाइसेंस मांगा, ऐसे में उन्हें लाइसेंस मिल गया और वो अपने साथ हमेशा पिस्टल रखती हैं। आभा कहती हैं कि वो गांव की बेटियों के लिए कुछ करना चाहती हैं। उनकी कोशिश ये है कि गांव की बेटियां एक सुरक्षित माहौल में रहें और आगे बढ़ती रहें, क्योंकि उससे पता है कि गांव में लड़कियों के साथ क्या क्या होता है। यहां लड़कियों को आगे बढ़ने से हर बार रोका जाता है। नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं शिवानी पांडे। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।